नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोल्यान पे। तो आज जानते हो सब लोग कि नोटिफिकेशन आ चुका है ट्रिपल सी दिसंबर वालों का। तो कब से होगा एग्जाम, कब एडमिट कार्ड आएगा, सारी चीजें बताऊंगा, कैसे आप पास करें, ये सब चीजें मैं आज बताने वाला हूं आपसे। और क्लास कब से चलेंगी सब कुछ जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो आपको बताऊं, ये लिखा है मैंने वैसे, लेकिन आपको अगर दिखाऊं मैं दोस्तों, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी आप खुद देख सकते हो। पब्लिक नोटिस एक आया है जो कि दिसंबर 2022 का एग्जाम 13 से लेके 18 दिसंबर के बीच होगा, है ना, और एडमिट कार्ड आपका 6 दिसंबर से आएगा, ऐसा इसमें दिया गया है। अच्छा, आप समय तो बचा नहीं भाई, इसमें भी लिखा है मैंने एग्जाम डेट 13 से आपका 18 दिसंबर तक चलेगा और एडमिट कार्ड 6 दिसंबर को आएगा। वैसे जरूरी ये नहीं होता कि 6 को इसमें लिखा है एडमिट कार्ड आएगा तो 6 को ही आएगा, ऐसा भी हो सकता है कि 7 को, वैसे 7 से ही शुरू होगा आना, 6 को तो उस दिन तो कभी आता नहीं है, तो इस बार भी उस दिन नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि इतना समय बचा है एग्जाम का, अब पास कैसे करें, है ना। तो देखो भाई, मैंने पहले ही आपको बताया है कि बहुत सारी क्लासेज है हमारी, जैसे कि पहले सबसे तो मैराथन क्लास एक है, मैराथन क्लास के नाम से है, जिसपे 5 मैराथन पहले से बना चुका हूं, प्लस आपको कम से कम एक या तो दो दूंगा दिसंबर में, दो तो आपको मैराथन और दे दूंगा। तो मैराथन में 100-100 प्रश्न होता है और एक्स्ट्रा भी जो मैं बताता हूँ, जैसे 100 प्रश्न में 150 तो करा देता हूँ मैं आपका, तो 150 अगर प्रश्न होता है और भी करा देता हूँ, 150 मान के चलो मोटा मोटा, तो 150 प्रश्न अगर 5 ये प्लस 2 7, तो 7 डेढ़े होता है 10.5, मतलब 1000 से ऊपर प्लस 1000 प्लस प्रश्न आपको ऐसा तैयार हो जाएगा जो मैं कराऊंगा अभी आगे भी। प्लस जैसे सुपर क्लास में कराऊं पहले से आपका, आप देखोगे प्लेलिस्ट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी सब चीजों का मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। सुपर क्लास जो है इसमें भी मैंने बहुत सारे क्लासेस कराया है, लगभग 10, तो 1000 प्रश्न तो इसमें होंगे ही, 1000 प्रश्न ज्यादा मतलब एक्स्ट्रा भी होता है ना। मास्टर भी मैं करा चुका हूं कम से कम, आपका मास्टर क्लास के नाम से आप देखोगे प्लेलिस्ट में, वो भी मैं दे दूंगा आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मास्टर क्लास में भी करीब 25 मास्टर क्लास में कराया हूं, तो 25 में तो उसमें 50-50 प्रश्न है, मतलब 1000-1200 प्रश्न, तो कुल लगभग 2500 प्रश्न नाइलेट के पास है, जो ट्रिपल्स एग्जाम कराता है नाइलेट, मान के चलो कि लगभग 2500 प्रश्न उसके पास होगा। अब इन 2500 प्रश्नों में दोस्तों, आपको अगर 2500 प्रश्न पढ़ लिए तो आप बहुत आसानी से एग्जाम को पास कर ले जाओगे। अच्छा, इतने वीडियोस देखने का जिसके पास समय नहीं, उनके लिए बताऊं मैं जुगाड़ है, वो है ईबुक। ईबुक क्या है, अभी देखो दो तीन चीजें बताता हूं आपको मैं। ईबुक है प्लस टेस्ट सीरीज है, जो गोल्यान का ऐप एप्लीकेशन है उसको पहली बार तो तुरंत डाउनलोड कर लो सब लोग, अभी के अभी तुरंत, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिलेगा एप्लीकेशन का। उसका आपको फायदा क्या होगा, उस पर टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, 25 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, 25 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भाई, तो 25 100-100 प्रश्नों वाला टेस्ट सीरीज होगा, कोई ऐसा वैसा टेस्ट सीरीज नहीं होगा, 100-100 प्रश्न का फुल लेंथ 25 टेस्ट सीरीज मिलेगा, जिसमें हर टेस्ट में 100-100 प्रश्न होंगे, मल्टी चॉइस जैसे एग्जाम होता है ना वैसे ही रहेगा। और उसके साथ साथ उस टेस्ट सीरीज में ईबुक भी मिलेगा उसके साथ फ्री में, ईबुक भी मिलेगा, मतलब आप ईबुक भी पढ़ सकते हो और टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। और इसमें जैसे ईबुक जिसको चाहिए तो आप कोशिश करना कि एप्लीकेशन डाउनलोड करो वहीं से लो, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, मान लो मैं 4-5 दिन एक हफ्ते बाद कुछ क्वेश्चन नए मिल जाते हैं मुझे और उसको मैं ऐड करता हूँ ईबुक में, मान लो ऐसे मैं अपडेट करता होता ना ईबुक, तो आप एग्जाम से कुछ दिन बचा है तो उसके बाद फिर से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि एक बार अनलॉक हो गया ईबुक तो आप बार बार उसको डाउनलोड कर सकते हो, एक बार दो बार तीन बार जितनी मर्जी उतनी बार डाउनलोड करो। तो अब वही ईबुक तो वही रहेगा लेकिन अपडेटेड भी रहेगा, अब टेस्ट सीरीज भी उसमें फायदेमंद चीज है। अब रही बात, उसमें सिर्फ पेड टेस्ट सीरीज नहीं है, फ्री में भी है, जैसे फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो भी तो है उसमें, तो फ्री टेस्ट कम से कम उसमें आप दो, बहुत फायदा होगा आपको, उससे सीखने को मिलेगा भाई ऐसे होता है। अभी उसमें 20 फ्री टेस्ट सीरीज लगभग 20 था मैं देखा था, अभी आगे और मैं डलवा दूंगा उसमें, टेंशन मत लो आप लोग, जो मतलब फ्री में करना चाहते हो सिर्फ उनके लिए भी ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको डाउनलोड करो और फ्री में जो टेस्ट सीरीज है उसको अटेम्प्ट करो,
उससे क्या होगा, आपको एक एक्सपीरियंस होता है कि भाई कैसे एग्जाम में हमें करना है। ठीक है, ये सब जानकारी थी आपको बता दिया मैंने कि कैसे पास करना है। ई बुक अगर पूरा अच्छे से पढ़ लिए और टेस्ट सीरीज दे दिए तो जो भी ग्रेड आप चाहोगे वो ग्रेड आपको मिलेगा 100%। अब फ्री में भी टेस्ट सीरीज है तो आप वीडियो से पढ़ो। अगर वीडियो से मैंने देखो सारी विकल्प सारे ऑप्शंस मैंने आपके सामने रख दिया कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। और कल शाम 7 बजे से रोज, मतलब शाम 7 बजे से समझ लो, अगर हो सकता है कल वीडियो आप देखो ये, तो शाम 7 बजे रोज सब लोग रेडी रहना, क्लास कंटिन्यू चलेगी। और इतने दिन में महासंग्राम मचा दूंगा मैं, मत सोचना कि मैं ऐसे खाली बैठने वाला हूँ। 100%, 50%, 70%, 60% जो भी ला पाऊंगा मैं वो मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। और भाई आप लोग भी सपोर्ट करोगे तभी तो मजा है। सपोर्ट का मतलब कैसे, सपोर्ट का मतलब ये आप लोग पढ़ो, ऑलरेडी जो वीडियोज हैं जो क्लासेस हैं उसको पढ़ोगे तो मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मुझे खुशी होती है। चलो अच्छा है सब लोग पास हो गए, अगर रोना धोना करते हो तो मज़ा नहीं आता, इसलिए कह रहा हूँ पहले से ही। रिजल्ट वैसे तो पॉजिटिव ही आता है, सबका पास ही हो जाते हैं, लेकिन आप लोग कोई कोई फेल भी होता है। वैसे मेरे से जितने लोग पढ़ते हैं मैं देखता हूँ 99% रिजल्ट अच्छा आता है पास वाला, 1% से भी कम लोग फेल होते हैं। अब भाई 100 में से अगर एक भी फेल हुए तो मेरे पास तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, उसी में तो कई सारे बोलेंगे फेल हो गए, तो एक भी लोग अगर बोलते हैं फेल हो गए ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से आप डी ग्रेड भी पा जाओ, लेकिन पा जाओ मैं यही चाहता हूँ, पास होना जरूरी है। ग्रेड भी कोई मैटर नहीं करता, कोई भी ग्रेड ला दो अच्छी बात है। तो याद रखना शाम 7 बजे डेली सब लोग रेडी रहना, मैराथन क्लास लाऊंगा पहली क्लास में। ठीक है, तो उस दिन सबको कल शाम 7 बजे, कल बोले तो फ्राइडे को शाम 7 बजे मैं मैराथन क्लास लेके आ रहा हूँ 100 प्रश्नों का। सब लोग आइए उसको पढ़िए, उसके बाद और भी जो पढ़ा चुका हूँ मैं उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, तो बस इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मैं सोचा आपको जानकारी दे दूँ। और कोई अगर डाउट हो, कोई सवाल हो आपका तो वो भी मुझे बताना। तो एक बात और बता दूँ मैं छोटी सी बातें, जैसे टेस्ट सीरीज में जब जाओगे वहाँ पे ना तो एक ईबुक का सेक्शन मिलेगा एप्लीकेशन में, एक टेस्ट सीरीज का मिलेगा। तो टेस्ट में जाओगे तो टेस्ट और ईबुक साथ में रहेगा, कॉम्बो है टेस्ट प्लस, उसमें लिखा रहेगा टेस्ट प्लस ईबुक। ठीक है, तो देख लेना उसको, तो ये दोनों ले लो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा इतना समझना। ईबुक भी जैसे सिर्फ ईबुक जिसको पढ़ना, टेस्ट भी देने का समय नहीं, तो ईबुक का भी उसमें एक ऑप्शन मिलेगा, तो उसी में ईबुक जाके आप ले सकते हो। एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी, ध्यान रखना पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी, जो कि आप उसको प्रिंटेबल भी है, जो मर्जी पढ़ सकते हो आसानी से, डाउनलोड होगी आपके पास हो जाएगी वो। और फ्री टेस्ट सीरीज भी होगी, तो उसमें देखना एक चीज, जब पहले लॉगिन करोगे फिर उसके बाद से करोगे, कोई दिक्कत अगर आपको आए तो मुझे बताना, सब कुछ सॉल्व किया जाएगा वो सारे इशूज। जैसे फ्री टेस्ट भी है, ये भी है, टेस्ट सीरीज जब आप अटेम्प्ट करते हो, जब टेस्ट देते हो दोस्तों, टेस्ट देने के बाद सबमिट करने का ऑप्शन यहाँ किनारे ऐसे उसे देखोगे ना, किनारे में जब उसमें आ जाए ना कि अब टेस्ट खत्म हो गया है, तो किनारे एक ऐसे मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा है सबमिट टेस्ट, ऐसे लिखा रहेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उसमें ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था, सबमिट पे क्लिक करोगे जब तो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप चाहो तो उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो, आपका कौन सा सही था, कौन सा गलत था, कितने करेक्ट हुए, कितने इनकरेक्ट हुए, सारी चीज़ें आप उसमें अवेलेबल देख सकते हो। ऐसा नहीं कुछ लोग कहते हैं सर उसमें तो रिजल्ट हम देख ही नहीं पा रहे हैं, ना तो हम देख पा रहे हैं कि इसका सही कौन सा है, गलत कौन सा, ऐसा कुछ नहीं यार। सबमिट करोगे उसके बाद सब मिलेगा, उसमें आपका सोल्यूशन भी मिलेगा, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, कितने मार्क्स मिले आपको, कितना रैंक मिला आपको, सारी चीज़ें उसमें मिलती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उसमें देखना और समझना, कोई डाउट हो, कोई और सवाल हो मुझे बताना। ये सब जानकारी आपको मैंने दे दी है कि भाई एग्ज़ाम अब बिल्कुल बच चुका है एग्ज़ाम का, पास कर ले जाओ। पहले से पढ़ रहे हैं बहुत सारे मेरे साथ, जो नए हो उनको भी बता दिए सारी चीज़ें। कल से मिलते हैं क्लास में सीधा, और आप लोग ऑल द बेस्ट सभी को। तो बस मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।